नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार, उसके मैं बहुत दोस्तों आता हूँ आपसे एक अपने चैनल आंग ग्रुप की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कमसेठी रेलवे स्टेशन कमसेठी, जो कि दोस्तों कमसेठी चौराहा से पड़ता है लगभग 1 किलोमीटर कुछ पहले ही। तो दोस्तों बिना देर के चलिए वीडियो पूरा देखिए और दोस्तों यहाँ की मैं आपको खूबी दिखाने वाला सब कुछ, तो बिना देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कपसेठी चौराहा से भदोही की तरफ बढ़ते हुए 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर दाहिने तरफ कटा हुआ है एक रास्ता, जो कि कपसेठी रेलवे स्टेशन तरफ जाता है। आप ये देखते हैं यहाँ पर एक जेब्रा क्रॉसिंग बना है और यही जेब्रा क्रॉसिंग से यहाँ पर दाहिने मोड़ने पर ये देखिए ये वाला रास्ता जाता है कपसेठी रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड बहुत ही पतला है और दोनों तरफ पक्के मकान बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देखते हैं बालू भी गिट्टी भी रखा गया है दोनों तरफ, जिससे कि बड़ी गाड़ियों को आने में कठिनाई हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये है कमसेठी रेलवे स्टेशन। हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुँचते ही आपको दिखा दें कि चारों तरफ हरियाली है, यानी पीछे जो यहाँ पर रिकॉर्ड करें वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत से हैं और यहाँ पे गाय भी चढ़ती हुई नज़र आई। और ये देखते हैं यहाँ पर सीढ़ी ऐसे बना है अंदर जाने के लिए और यहाँ मतलब एक जैसे गेटवे टाइप का है और यहाँ पर अंदर हिलते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको स्वच्छ भारत अभियान पर कितना बढ़िया एक चित्रण किया गया है, आपको देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है, जो कि कितना सुंदर ये दृश्य है। और ठीक उसी के सामने यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा जहाँ पे आपको कपसेठी रेलवे स्टेशन लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर किराया सूची, सूचना, समय सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। सामने बढ़ने पर दोस्तों आपको दिखा दें ये है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरफ, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। और आगे यहाँ पे आपको देखने को एक फुट ओवर ब्रिज मिल जाएगा जिसकी तरफ से हम लोग जाने पर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँच जाएंगे और एक मालगाड़ी खड़ी आप देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कैसा है आप लोग देख ही सकते हैं, नीचे कैसा फर्श है और बाकी आप देख सकते हैं हरा भरा तो है यहाँ पर, हरियाली है। और अब चलिए हम आपको फुट ओवर ब्रिज पर चल के आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज कुछ इस तरह है, यहाँ पर उसको पीला और लाल रंग में पेंट किया गया है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ऊपर से देखने में कुछ इस तरह के हैं नज़ारे, जो कि दाहिने साइड हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, बाएं साइड हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो उससे पहले हम आपको बताएं दोस्तों छोटे और ग्रामीण स्तर के रेलवे स्टेशन की तो यही अच्छी बात है, यहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सफाई ज़्यादा देखने मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और सामने फूल की खेती की गई थी, जो कि हमने आपको जूम करके दिखाया। तो अब चलिए हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके दिखाते हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 कुछ इस तरह है, यहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग वाले ईंट से फर्श बनाया दिखाई दिया गया और यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी एवं शेड शेल्टर बनाया गया है जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी न हो। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ ईंट से घेरा गया है। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल अपना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।